हाय एवरीवन, गुड इवनिंग दोस्तों। यहाँ पे बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। और पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ मैंने एक वीडियो बनाया था जिसको शेयर किया था, तो आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से अपना रिप्लाई दिया था और बहुत सारे दोस्तों ने लाइक किया है। तो चलिए देख लेते हैं कितने कमेंट आए थे और आप लोगों ने जो कमेंट किया है कितने नंबर गेन किया है, उसके अकॉर्डिंग अपन कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो से जुड़े रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जो दोस्त नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई अपडेट नोटिफिकेशन आपको यहाँ से मिलती रहे। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जो यहाँ पर कमेंट आया है मेरे पास में, सबसे फर्स्ट जो कमेंट आप देख पाएंगे स्क्रीन में, ये कमेंट यहाँ पर पुष्प कवि जी का आया है। ये स्टाफ नर्स में है, 54 नंबर इन्होंने गेन किया है और अच्छा नंबर इन्होंने गेन किया है। पर अदर स्टेट से हैं दोस्तों, तो इसमें जनरल कैटेगरी में ये काउंट किए जाएंगे। तो आगे डिस्कशन करेंगे किसने ज़्यादा हाईएस्ट नंबर गेन किया है नर्सिंग अफसर में। इसके बाद नेक्स्ट से जो बात की दोस्तों यहाँ पर, तो नेक्स्ट से यहाँ पर जो इनकी आईडी है, जीरो के नाम से इन्होंने आईडी बना रखी है और इन्होंने ड्रेसर में 52 नंबर गेन किया है। इसके बाद नेक्स्ट से है लैब टेक्नीशियन में इन्होंने 64 नंबर गेन किया है। इसके बाद नेक्स्ट जो बात करें यहाँ पे, तो दिव्या फीमेल से हैं, इन्होंने ओबीसी कैंडिडेट हैं और इन्होंने 55 नंबर गेन किया है। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट कमेंट में आप देख पाएंगे यहाँ पे शिखा शुक्ला हैं और ये फीमेल कैंडिडेट है, 59 नंबर इन्होंने गेन किया है लैब टेक्नीशियन में, तो अच्छा नंबर इन्होंने गेन किया है। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट की बात की दोस्तों, यहाँ पे रानू निहाल हैं और इन्होंने 39 नंबर गेन किया है और ये कौन सी कैटेगरी से, ये इन्होंने नहीं कमेंट किया है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों देख पाएंगे 39 नंबर का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि पासिंग मार्क ही यहाँ पे 40 नंबर रखी गई है। इसके माध्यम से 40 नंबर जो रखी गई दोस्तों यहाँ पर पासिंग मार्क रखी गई है आप लोगों के लिए ग्रुप 5 के अंदर या जितने भी कैंडिडेट हैं सभी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट से दोस्तों यहाँ पे 49 नंबर हैं सदादत अली का है और इन्होंने 49 नंबर ओबीसी से गेन किया है, तो इन्होंने दोस्तों अच्छा नंबर गेन किया है। शायद नर्सिंग अफसर से है इसलिए कि इन्होंने कमेंट कुछ और नहीं लिखा है कौन से डिपार्टमेंट से हैं। इसके बाद है सुमर प्रजापति है, इन्होंने 51 नंबर गेन किया है, इन्होंने भी अच्छा नंबर गेन किया है, ये भी नर्सिंग अफसर से ही हैं। इसके बाद नेक्स्ट है राजेंद्र अहिरवार हैं और इन्होंने 50 नंबर गेन किया है, एससी कैटेगरी से हैं तो अच्छा नंबर गेन किया है। इसके बाद मेघा नायक है और ये एससी कैटेगरी से लैब टेक्नीशियन है। तो दोस्तों यहाँ पे लैब टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट ने अच्छा कमेंट भी किया है और अच्छा नंबर भी इन लोगों ने गेन किया है। इसके बाद नेक्स्ट नाम है जो रमेश भोरिया राम का है और ये एसटी मेल से 48 नंबर गेन किया है, तो यहाँ पर 48 नंबर दोस्तों यहाँ नर्सिंग अफसर से हैं, तो इन्होंने भी नंबर अच्छा गेन किया है। आगे बात करते हैं सभी के कट ऑफ के बारे में। और यहाँ पर ये ताहिर खान है, इन्होंने वेटरनरी से 51 नंबर गेन किया है। इसके बाद नेक्स्ट नाम की बात की दोस्तों, तो यहाँ पे फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड से हैं और इन्होंने दोस्तों इनका कमेंट तो नहीं दिख रहा नंबर का, बट यदि मैंने देखा होगा तो शायद रिप्लाई कर दिया होगा। और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड में किसके कितने हैं ये आपस में डिस्कशन किया है दोस्तों। यहाँ पर गर्ल्स का तो कोई चांस ही नहीं है, ये डिस्कशन में है, इनका कमेंट को रिप्लाई मैंने दिया था हो सकता है। और यहाँ पे इन्होंने 35 नंबर गेन किया था दोस्तों, यहाँ पे 35 नंबर का भी कोई रोल नहीं है क्योंकि पासिंग मार्क जो रखा गया है यहाँ पे 40 नंबर रखा गया है, जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि यहाँ पर 40 नंबर जो रखा गया है ग्रुप 5 के अंदर जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी के लिए 40 नंबर यहाँ पर रखा गया है 40 नंबर। इसके बाद नेक्स्ट जो बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो कैंडिडेट का कमेंट आया है, तो ये वर्षा यादव जी हैं और ये जनरल से 53 नंबर गेन किया है। इसके बाद नेक्स्ट हैं राहुल चौहान ओबीसी से 52 नंबर गेन किया है। नेक्स्ट फार्मासिस्ट हैं, इन्होंने एससी से 50 नंबर गेन किया है और ये कट ऑफ क्या रहेगा ये बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फार्मासिस्ट का कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाएगा, 60 से एवा भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीट मात्र 6 या तो फिर दोस्तों 10 सीट हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर कट ऑफ आप लोगों का ज़्यादा जा सकता है, 65 से एवा भी जाएगा, 60 या 65 से एवा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट कमेंट जो है मैना मालवीय जी का है, ये लैब टेक से हैं। ये नेहा जी का है, ये ओबीसी हैं, 46 नंबर है, ये फीमेल और नर्सिंग अफसर से कमेंट किया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 42 में मैना मालवीया हैं, तो इन्होंने देख पा रहे होंगे कि इन्होंने इमोजी पहले डाल दिया सैड वाला कि 42 से कुछ नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे डॉक्टर गोलू मरावी हैं, इन्होंने एसटी कैटेगरी से
54 नंबर गेन किया है, ये नर्सिंग अफसर में है तो अच्छा नंबर गेन किया है। इसके बाद नेक्स्ट जो कमेंट है दोस्तों, यहाँ पे आगे बात करेंगे। यहाँ पे 65 OBC अदर स्टेट इन स्टाफ नर्स पेपर, तो इन्होंने अच्छे से कमेंट किया है अभी तक का जितने भी कमेंट किए हैं कि नर्सिंग अफसर में जो है, तो इन्होंने 65 नंबर गेन किया है। अदर स्टेट से हैं दोस्तों, तो यहाँ पे ये जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, लेकिन यहाँ पे इनका नाम फर्स्ट लिस्ट में आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट में दोस्तों देख पाएंगे जो है, अब यहाँ पे दोस्तों जो लैब टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट है बहुत ज़्यादा कमेंट किया है और सबसे ज़्यादा नंबर भी इन लोगों ने गेन किया है। अब यहाँ पे मैना माल भी 42 नंबर गेन किया है, तो दोस्तों यहाँ पे क्वालिफाइड तो हो चुके हैं जो लोग 40 से एबव नंबर गेन किए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिलेक्शन श्योर नहीं है। ये नेहा पटेल है, लैब टेक्नीशियन से हैं, 65 नंबर गेन किया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर जो दिख रहा है 71 नंबर दिख रहा है, दीपक परास्ते का है और इन्होंने पशुधन सहायक से गेन किया है, तो अच्छा नंबर गेन किया है। अब यहाँ पे सीट पे डिपेंड करता है दोस्तों, क्योंकि इनका सिर्फ इस डिपार्टमेंट से फर्स्ट ही कमेंट है, तो यहाँ पे श्योर बोलना कुछ नहीं कह सकते हैं, पर नंबर अच्छा गेन किया है इसलिए मैंने इनका कांग्रेचुलेसन पहले ही बता दिया था कमेंट पर। इसके बाद अगला जो कमेंट की बात की दोस्तों, तो यहाँ पर अंशु रमेश जी का है और ये ST कैटेगरी से 33 मार्क्स स्टाफ नर्स से क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे 33 मार्क्स का कुछ नहीं होगा क्योंकि पासिंग मार्क ही नहीं है, तो यहाँ तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट की बात की दोस्तों, तो यहाँ पे OBC कैंडिडेट हैं, 44 नंबर गेन किया है, तो यहाँ पे दोस्तों 44 का भी अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बिलाल खत्री जी हैं और इन्होंने 53 नंबर गेन किया है नर्सिंग में, तो इन्होंने भी अच्छा नंबर गेन किया है, क्योंकि दोस्तों 50 से एबव जिन लोगों ने गेन किया है उनके चांस 90% बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कमेंट की बात की दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों MDC नाम से इनकी ID है और चांस है 50 नंबर में कैटेगरी कौन सी, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। इसके बाद ये हैं शिखा शुक्ला है, सर 59 मार्क्स में कुछ चांस है क्या बताएं, फीमेल जनरल। तो दोस्तों यहाँ पे शिखा शुक्ला जी आपने बहुत अच्छा नंबर गेन किया है और आपका यहाँ पे 98%, जैसे कि पहले ही आपको मैंने कमेंट कर दिया हूँ कि आपका 98% है और फर्स्ट लिस्ट में नाम आ सकता है, क्योंकि अच्छा नंबर आपने गेन किया है 59 नंबर। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है दोस्तों, और यहाँ पे कृतिका जी ने कमेंट करके पूछा है रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट नेक्स्ट मंथ तक आ सकता है आप लोगों का दोस्तों, जनवरी के लास्ट में। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है दोस्तों, OBC 45 मेल नर्सिंग का चांस है, दोस्तों यहाँ पे अभी 45 नंबर से तो कोई कंफर्म नहीं है, जैसे कि आप यहाँ देख पाएंगे मैंने मुश्किल है करके कमेंट कर दिया था, बाकी लक के ऊपर डिपेंड करता है आपके। इसके बाद नेक्स्ट जो कमेंट है दोस्तों, 52 फीमेल का, तो यहाँ पे कोई कुछ नहीं कह सकते हैं आपका भी। यहाँ पे जीतू कुमार हैं, सर मेरा 44 SC है, राजस्थान आयुर्वेदिक कंपाउंडर, तो दोस्तों यहाँ पे आपने राजस्थान से हैं ऐसा है या क्या, इसका क्लियर मैटर नहीं हो पा रहा है, तो आप इसका आप कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट है आयुर्वेदिक कंपाउंडर ST फीमेल 42 मार्क्स, तो यहाँ पे आयुर्वेदिक कंपाउंडर में सीट कितनी है ये देखना पड़ेगा दोस्तों, आगे दिखा देंगे तो उसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है 43 SC से हैं, हिमेश साकेत हैं, फार्मासिस्ट के लिए हैं, तो यहाँ पर कोई चांस नहीं आ सकता है। यहाँ पे JC हैं 54 लैब सहायक के, तो यहाँ पे दोस्तों नंबर आपके एग्ज़ाम में कैंडिडेट कितने शामिल हुए थे और नंबर क्या गेन किया है उस पर डिपेंड जाएगा, पर आप भी मान के चलिए 65 से ऊपर ही मान के चलिए। इसके बाद यहाँ पे 40 EWS स्टाफ नर्स से कुछ हो सकता है चांस है क्या, तो EWS में भी दोस्तों 50 के एबव आप लोगों का जाएगा नर्सिंग अफसर का, तो यहाँ पर कोई चांस नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है तृप्ति महाजन का है, सर मेरा 45 मार्क्स है SC कैटेगरी से, क्या कोई चांस है। यहाँ पे गर्ल्स के लिए बहुत कम चांस है क्योंकि जो सीट है दोस्तों बहुत कम सीट है नर्सिंग अफसर फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पे 45 में भी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते हैं, बट हो सकता है इसके लिए कुछ क्लियर नहीं, पर हाँ आगे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर RK सोलंकी है, SC से हैं, इन्होंने 44 नंबर गेन किया है, तो यहाँ भी कुछ नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पे मैना मालवीय का 42 है
और यहाँ पे 61 नंबर इन्होंने फिर से मैना मालवी ने कमेंट किया है, तो यहाँ पे मैंने इनको कांग्रेचुलेशन दे दिया हूँ। अब ये किस में है दोस्तों, नर्सिंग अफसर का ही है जहाँ तक है। अब दोस्तों आप लोगों ने देखा जो कमेंट आए हैं नर्सिंग अफसर का, तो यहाँ पे सिर्फ एक कैंडिडेट का यहाँ पे 60 से एबव नंबर गेन हुआ है, उसके अलावा सभी का 50 के अंदर ही या 55 के अंदर ही नंबर सभी का यहाँ पे स्कोर आ रहे हैं। तो इसका आप दोस्तों जो कमेंट मेरे पास आए हैं लगभग 10 से 12 कमेंट आए हैं नर्सिंग अफसर के, और 10 से 12 कमेंट में आपके मान के चलिए यहाँ पे 65 वाले कैंडिडेट का 98% चांस है या 99% चांस है, लेकिन 53 और 55 के अंदर वालों का कुछ नहीं कह सकते दोस्तों, चांस है बाई लक, क्योंकि यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए थोड़ा से बढ़ जाता है चांस बजाय फीमेल के, तो एक चीज़ ये हो सकता है। और जो कट ऑफ है दोस्तों आप लोगों का जो जाने वाला है कट ऑफ, तो ये मान के चलिए जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ रहेगा दोस्तों यहाँ पे 60 से मान के चलिए आपका 60 से 70 के बीच यहाँ पे जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जाने वाला है। उसके अलावा ओबीसी की बात की दोस्तों, तो यहाँ पे ओबीसी में भी यहाँ पे जो कट ऑफ जाएगा ये 55 से लेके 65 के अंतर यहाँ पे ओबीसी का कट ऑफ जाएगा। और एसटी का दोस्तों यहाँ पे सेम यही रहेगा 55 से 65 के करीब, और एसटी का जो रहेगा तो एसटी का भी यहाँ दोस्तों 55 और 65 के अंतर्गत रहेगा। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात की दोस्तों, तो ईडब्ल्यूएस का जो रहेगा 60 से 70 के बीच में ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे कट ऑफ जाने वाला है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों का कट ऑफ जा सकता है, ये एक अजप्शन है, अनुमान है, कंफर्म दोस्तों आप लोगों के आपस में खुद ही पता होगा जो आप लोगों ने एग्ज़ाम देने गए होंगे, तो आपके एग्ज़ाम हॉल में कितने कैंडिडेट ने 60 से एवम नंबर गेन किया, तो 55 से एवम नंबर गेन किया है, उस पर आप लोग खुद ही अजप्शन या अनुमान लगा सकते हैं। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फ्रेंड। कमेंट करना ना भूलें यदि किसी प्रकार की आपके पास में जानकारी है, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फ्रेंड।